दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल डीके डिजिटल कैश में। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2 अक्टूबर को पाई की रैली की तैयारी चल रही है और हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर लोगों का अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है इस रैली को लेकर के। तो यहाँ पर कुछ सवाल जो है इस रैली को लेकर के किए गए, तो उसका जवाब जो है आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा, जिससे कि और भी लोगों के यानी जितने भी लोग हैं उनके माइंड में कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं इस रैली को लेकर के। तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इससे पहले कि दोस्तों मैं यहाँ पर शुरुआत करूँ, मैं कुछ प्रीवियस वीडियो यानी कि अभी जो इससे पहले मैंने पाई सिटी को लेकर के कुछ जानकारी शेयर करी है, तो उसको लेकर के कुछ बोलना चाहूँगा। तो दोस्तों, वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो जिस कंपनी ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिया है पाई सिटी बनाने को लेकर के, तो वहाँ पर एक तो जो लोग उसको फेक न्यूज़ बोल रहे हैं, तो वहाँ पर एक तो मैं ये देखूँगा कि आप देखिएगा कि उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर अपलोड किए गए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसीलिए वीडियोस देखते हैं कि उसमें हम कहीं कमी जो है निकाल सकें, मतलब उस न्यूज़ के बारे में कुछ कमी निकाल सकें। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों ये बोलना चाहूँगा कि मेरा काम है यहाँ पर कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो न्यूज़ चल रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अब उसमें कितनी रियलिटी है कितना नहीं है, वो आप लोगों का भी यहाँ पर एक तरीके से ड्यूटी बनती है कि आप लोग भी उसको चेकआउट करो। और क्योंकि सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं अकेले नहीं कर सकता, उसमें अगर आपके सामने कुछ ऐसा आता है कि आप मुझे सबूत के साथ में दे सको कि हाँ ये चीज़ में ये चीज़ें हैं, तो मैं वो आप लोगों के साथ में जो है ज़रूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो अगर आप उस तरीके से काम करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा उस चीज़ को शेयर करने में, और मुझे ये भी लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर सपोर्ट देने वाले लोग हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ नेगेटिव या उल्टे सीधे कमेंट करके चले जाओ। और ऐसे लोगों का वीडियोज़ देखने का कोई दोस्तों यहाँ पर मतलब नहीं बनता। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं ये और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आप लोगों के साथ में उसमें ये शेयर किया था कि जो पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन सिटी जो चाइना के अंदर बनेगी, जो कि यहाँ पर अनाउंस की गई है, ठीक है, या हमारे पास में जो भी उसको लेकर के न्यूज़ आई है, चाहे वो भले ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, ठीक है, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो 100% फेक है। अपने मन से जो आया वो लोगों ने बोल दिया, ठीक है। बट यहाँ पर दोस्तों जो एक प्राइस बोला गया कि भाई यहाँ पर जो कंपनी है वो फर्स्ट कंपनी होने जा रही है, सपोर्ट कर रही है जो कि पाई को, $3,14,000 मैंने वहाँ पर प्राइस बोला था, ठीक है। तो मैं कभी कभी दोस्तों कुछ ऐसी बातें यहाँ पर इसलिए बोलता हूँ, यानी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक इसलिए करता हूँ जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो सही में अच्छे से सुन भी रहें और देख भी रहें। तो यहाँ पर जिन लोगों ने उस चीज़ को पकड़ा उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा कि हाँ आप, और मैं ये भी बोलूँगा कि हाँ भाई थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा और वो जो चीज़ थी उसको पकड़ा और आपने ये बताया कि वो 3,14,000 नहीं 31,40,000 $ है, यानी कि उस कंपनी जो कि यहाँ पर डेवलपर के तौर पर काम करेगी, तो उसने जो सपोर्ट किया वो 31,40,000 $ पर पाई के हिसाब से सपोर्ट किया। तो पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा कि 3 लाख ही हज़म नहीं हो रहा लोगों को, $3,00,000, तो 31,40,000 ये भी हज़म करना बहुत टेढ़ी खीर है। इसके साथ यहाँ पर दोस्तों मैंने ये चीज़ इसलिए बोली थी, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे भी दिख सके कि कितने लोग सीरियस हैं, तो आप सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये चीज़ बोली उसके लिए थैंक यू। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर इस रैली को लेकर के जो सवाल पूछे गए हैं, तो इसका भी मैं जवाब यहाँ पर दे देता हूँ। तो नंबर वन, यहाँ पर रैली किस तरह से निकलने वाली है, नंबर वन जो क्वेश्चन है, जैसे मोटरसाइकिल, कार या पैदल, क्योंकि बहुत से पायनियर तो भारत के अन्य हिस्सों से ट्रेन बस से आएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने खुद ही यहाँ पर बोल दिया कि लोग जो है अलग अलग स्टेट से आएंगे, ऑफकोर्स अगर ये रैली सिर्फ दिल्ली के अंदर होती तो हम ये प्लान कर सकते थे कि पहले एक छोटी सी मीटिंग कर लो, उसके बाद सभी लोग बाइक्स पर आओ या फिर गाड़ी लेकर के आओ और उसके हिसाब से रैली कर लो, राइट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हर कोई जो है अलग अलग स्टेट से आएगा, तो ऐसे में ट्रेन से ही मोस्टली लोग आएंगे या फिर कुछ फ्लाइट से भी आ सकते हैं, लेकिन
कोई ट्रैवल करके बहुत दूर से नहीं आएगा, आई मीन कार से या बाइक से तो नहीं आएगा। तो ऑफ कोर्स ये जो रैली होगी दोस्तों वो ये पैदल ही होने वाली है। हाँ, उसमें अगर कुछ बाइक्स वगैरह ऐड हो जाती हैं, स्पेशली अगर दिल्ली नोएडा गाजियाबाद से, तो वो बहुत अच्छी बात होगी, एक अलग ही उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल वैसी रैली निकल सकती है जैसे कि दोस्तों इंडोनेशिया से या वियतनाम से हमने देखा कि लोग बाइक्स वगैरह पर जा रहे हैं, गाड़ियाँ की गाड़ी निकल रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो और अच्छी बात होगी, इसमें एक इसमें भी एक अलग लेवल आ जाएगा, और दूसरी बात यहाँ पर एक अलग इम्प्रेशन भी पड़ेगा। तो कोई अगर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी ले सकता है कि हाँ भाई ठीक है, हमारे साथ हम दिल्ली से हैं, गाज़ियाबाद से, नोएडा से, हरियाणा से हैं, ठीक है, तो हम तो भाई आ सकते हैं 10-15 बाइक लेकर के या 10-15 गाड़ी लेकर के, ठीक है, तो वो एक चीज़ हो सकती है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि एक अपनी वॉकिंग रैली यानी पैदल वाली रैली तो निकलेगी, बट उसके पीछे जो है गाड़ियाँ आगे पीछे चल सकती हैं, तो वो एक प्लानिंग कर सकती है। और हमारी दोस्तों कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छी रैली हो, क्योंकि सबसे पहली बात दोस्तों आप लोग सिर्फ ये मत सोचो कि पाई की पहली रैली होगी। दोस्तों ये पूरे भारत के अंदर ना सिर्फ पाई की पहली रैली होगी, बल्कि ये क्रिप्टो से रिलेटेड रैली भी पहली बार होगी, यानी क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाली पहली रैली होने जाने वाली है ये। तो ये छोटी बात नहीं रहेगी, इसको आप जितना बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश कर सको उतनी बेहतर ये बनेगी, और उसी के हिसाब से दोस्तों इसका आगे चल करके इफ़ेक्ट और इसका इम्प्रेशन जो है पूरे इंडिया के ऊपर पड़ेगा। तो आप अपनी तरफ से क्या चीज़ कर सकते हैं वो आप खुद भी सोचिए, मैं तो अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इसके बारे में दोस्तों मैं आपके सामने आ करके फेस टू फेस जो है इसके बारे में डिस्कशन और भी करूँगा, कुछ ऐसे प्लान्स जो आप लोगों को बताऊँगा जो कि आप रैली के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी रैली के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस इंडिया का भी नाम होगा और पाई का भी नाम होगा, प्लस क्रिप्टो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट होगी, तो वो चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये एक तरीके से दोस्तों फ़िलहाल जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनी अपनी तरफ से जितना सपोर्ट देंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे अब ये कोई सपोर्ट जो है ऐसा नहीं मांगा जा रहा कि हाँ भाई आप कंट्रीब्यूशन दो, सिंपल सी बात है आप अपनी तरफ से जो चीज़ें कर सकते हैं वो करो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई दोस्तों कि पैदल जो है रैली निकलेगी, बाकी कोई आना चाहे तो ऑफकोर्स आ सकता है आसपास के शहरों से। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं दोस्तों कि क्या वहाँ पर पाई की टी शर्ट, कैप या अन्य कोड, कोई ड्रेस कोड लागू होगा, अगर होगा तो यह सामग्री हमें कहाँ से कितने मूल्य पर उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों ड्रेस कोड लागू नहीं होगा, ड्रेस कोड लागू होने का मतलब होता है कि जो भी आ रहा है उसको टी शर्ट पहननी ही पड़ेगी, तो ड्रेस कोड लागू नहीं होगा। पर हाँ ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर कोई भी यहाँ पर रैली के अंदर आ रहा है तो अगर उसके पास में टी शर्ट नहीं है या फिर वो टी शर्ट बाय करने की सोच भी नहीं रहा, तो उसके पास में कुछ ना कुछ पाई से जुड़ी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। चाहे भले ही कोई एक हमारे पास में अगर कोई ऐसा आ जाए जो पेंटर के तरीके से काम कर सके, तो वो चेहरे पर जैसे हम जाते हैं ना दोस्तों मैच में जाते हैं तो वहाँ पर क्रिकेटर्स के जो जितने भी फैंस होते हैं वो इंडिया का फ्लैग अपने गाल पर लगवाते हैं, ठीक इसी तरीके से आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो कि आप अपने गाल पर जो है वो पाई का लोगो बनवा लो, ठीक है, या फिर सपोर्ट पाई या सपोर्ट क्रिप्टो, सपोर्ट पाई, इस तरीके से भी आप जो है इस तरीके से लिख सकते हो या सिंपल एक लोगो लगा सकते हो। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। बाकी रही टी शर्ट की बात दोस्तों, तो ग्रुप जो बना हुआ है उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनसे कन्फर्मेशन लेने की जिम्मेदारी जैसे तैसे करके मतलब एक भाई ने ली है, मतलब मैंने उसके अंदर डाला, तो एक हमारे भाई हैं जो पिछली बार इवेंट के अंदर भी उन्होंने ज्वाइनिंग किया था और उन्हीं का ये जो सवाल है ना उन्हीं की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर इन्होंने ही जिम्मेदारी ली है कि ठीक है मैं एक एक करके सभी को कॉल करूँगा। मैंने जब वहाँ पर ग्रुप के अंदर पूछा तो किसी और का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, सिर्फ ये भाई का पर्सनल मेरे पास में मैसेज आया कि हाँ मैं करूँगा। तो चलो ठीक है, कोई तो मिला अपने पास में कि जो जिम्मेदारी ले सके। जिम्मेदारी लेने में सिर्फ इतना किया दोस्तों यहाँ पर कि जितने भी ग्रुप्स के अंदर मेंबर्स हैं उन सभी को एक एक करके कॉल की जा रही है, कॉल करके उनके उनका नाम, स्टेट और ये कन्फर्मेशन कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो क्या उनको टी शर्ट बाय करनी है, कैप बाय करनी है, तो जो भी कुछ बाय करना है उसकी पेमेंट एडवांस मिली जा रही है, जिससे कि जब वहाँ पर रैली के अंदर जब लोग आएंगे तो उस टाइम पर
जिसने पेमेंट करी होगी सिर्फ उसका नाम जो है लिया जाएगा और उसको वो टी शर्ट दे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर साइज़ भी पूछा जाएगा, तो उसके हिसाब से जैसे भी होगा वो टी शर्ट जिसकी पेमेंट आ रखी होगी एडवांस में, उसको वो टी शर्ट मिल जाएगी। वहाँ पर सामने से कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा कि हाँ भाई आप हमने पहले एडवांस में बुकिंग कर रखी, उसमें ये हो जाता है कि मेरे को अपनी तरफ से फ़ंड चाहिए होगा 20,000-25,000 के, मैं यहाँ अपनी जेब से प्रिंट करवा के रखूँ, उसके बाद फिर वहाँ पर जो है लेकर के जाऊँ और फिर वहीं पर जो है पैसे लेकर के वो चीज़ करूँ। तो उससे बेहतर यही है कि यहाँ पर जो लेने वाला हो उसकी पेमेंट आ जाए, उसके हिसाब से ही टी शर्ट्स प्रिंट करवाई जाए और फिर उन लोगों को दे दी जाए। आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये तरीका सही है या नहीं है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोस्तों बता देना। तो इसमें ये चीज़ हो गई क्लियर सेकंड पॉइंट में कि आपकी टी शर्ट किस तरीके से आएंगी, कैप होगी तो वो किस तरीके से आएगी, बाकी अपने अपनी जो जो सामग्री लेकर के आ सकता है वो लेकर के आ सकता है, कोई इसमें रोक टोक नहीं रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पर हो गया दोस्तों कि रैली के साथ साथ और कोई अन्य गतिविधि भी होगी क्या। रैली के साथ साथ हम बस इतना कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में मतलब वैसे तो उम्मीद यही है कि जो जगह है वो अच्छी खासी रहेगी, वहाँ पर अच्छी खासी गैदरिंग हो सकती है, तो कुछ समय के लिए बातचीत कर सकते हैं। और एक्टिविटी दोस्तों अगर हम करेंगे तो उसमें टाइम तो जाएगा ही जाएगा, और उसमें एक्टिविटी में यही चीज़ें हो सकती हैं कि जो अकाउंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके ऊपर सॉल्यूशन किया जा सकता है। उसके लिए भी एक हम रख सकते हैं कि आधे घंटे या दो घंटे के लिए जो जो नॉलेजेबल पर्सन हो वो आगे आकर के उसको हेल्प कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी देश के अंदर जब रैली निकली है तो वो सुबह से लेकर के शाम तक रैली हुई है, जहाँ तक मेरा मानना है, या मतलब वो 2-4 घंटे से ऊपर ही गई है रैली। और रैली निकालने में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब वहाँ पर पहले 1-1.5 घंटा तो लोगों को आने में लगेगा, वेट करेंगे लोग, फिर उसके हिसाब से फिर चीज़ें भी फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। तो उसमें भी 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी है वो जाएगा, उसके बाद फिर रैली निकलेगी, और उसके बाद फिर वहाँ पर ऑन द स्पॉट भी कुछ प्लानिंग करके जो है आगे चीज़ें की जा सकती है, मतलब मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह पर की जा सकती है। वो डिपेंड कि उस टाइम पर क्या सिचुएशन बन रही है, क्या लोग जो है प्लानिंग कर रहे करते हैं उस टाइम पर, और ऑन द स्पॉट जो है हमारे पास में क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा अभी फ़िलहाल रैली के अलावा यहाँ पर कोई ऑफिशियल एक तरीके से मेरी साइड से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर चौथे पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर रैली का समय कब से कब तक रहने वाला है, 2 अक्टूबर का दिन नियत होगा क्या? तो भाई देखो 2 अक्टूबर का दिन फिक्स है इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेशनल हॉलीडे रहेगा, 2 अक्टूबर रहेगा, और कुछ जगह पर जो है दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन भी रहेगा। तो जो लोग इस वजह से आ नहीं पाएंगे उसके लिए भी कुछ ना कुछ आगे देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है क्योंकि संडे है 2 अक्टूबर है तो मोस्टली लोगों की छुट्टी होगी, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट डे है दोस्तों। इसके साथ साथ जो टाइमिंग है वो है 8 बजे की, ठीक है, 8 बजे तक मतलब एक तरीके से पहुंचना है, बाकी रैली निकालने का समय 9:30-10 बजे के आसपास जो है हम कर सकते हैं, 9:30 तक एक तरीके से आप मान लो, बाकी 8 बजे तक सुबह जो है कैसे भी आना होगा। इसके बाद 5वें नंबर पर ड्रेस कोड व अन्य सामान जो सभी पायनियर्स चाहेंगे वह सामान कहां पर कैसे मिल सकेंगे, और कोई पायनियर्स अतिरिक्त सामग्री अपने क्षेत्र या डाउनलाइन के लिए लेना चाहता है तो उतना उपलब्ध हो जाएगा। ये डिपेंड करता है दोस्तों, जो ये लास्ट में मतलब देखो ड्रेस कोड व अन्य सामान जो सभी पायनियर्स चाहेंगे वह सामान कहाँ पर कैसे मिलेगा, तो सामान तो देखो वहीं ऑन द स्पॉट मिलेगा, यानी कि जहाँ से पाई रैली निकलेगी या जिस जगह पर जिस स्पॉट पर, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पर होना है को दिखाना भूल ही गया, उस स्पॉट पर ही सामान रैली से पहले कैसे किया जाएगा दोस्तों। देखिए कुछ इस तरीके से यानी जो लोग जिन्होंने पेमेंट पहले कर लिया, ये आप देख सकते हो नीचे की तरफ, अगर आप देखो अगर कोई यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ लेना चाहता है तो वो उसी मतलब उसका साइज पूछ करके बता देगा कि और पार्टिसिपेटेड 2 या 4 के बिल्कुल सामने शर्ट में लेकर के आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और ये जो उसके हिसाब से देख रहे हैं कि जो एनिमेटेड हो रहा है यहाँ पर एनिमेशन चल रहा है अंडर, तो ये माइनिंग यहाँ पर चल रही है और उसके नीचे राजेश नाम का पर्सन है, राजेश ने बोला कि मेरे पास 30 ब्लॉक्स लेफ्ट साइड में जो कि टी शर्ट चाहते हैं, ये जो है इसको आपने कलेक्ट करना होगा, ये आपने कलेक्ट करना होगा, और राजेश के नीचे ही पहले पहले अगर 150 जोड़ दिए जाएंगे और ये कंफर्मेशन लिया जाएगा कि हाँ अगर आप बिना नहीं भी आ रहे हैं यहाँ पर माइनिंग टी शर्ट लेना चाहते हैं दोस्तों, उनकी पेमेंट की जिम्मेदारी राजेश पर होगी और राजेश अपनी रेफरल टीम का जो पेमेंट होगा टी शर्ट को लेकर के वो जो है आपको बस पूरी पेमेंट रखना है उस पर्सन को कर देगा जो से पहले आप और पे क्लिक करें और यहाँ पर जो नाम जो अपना यहाँ पर लिख रहा है कर ले, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, तो इतना ही है दोस्तों यहाँ पर, और बाकी और भी अपडेट्स आती रहेंगी, आप लोगों को मिलती रहेंगी।
तो उसके लिए आप लोग बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके रखना, और आपकी तरफ से और क्या सजेशन है, क्या राय है, वो आप लोग ज़रूर बताओ। और दोस्तों प्लीज़ कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ, जिससे कि यहाँ पर सच में इंडिया के अंदर क्रिप्टो और पाई जो है वो हाईलाइटेड हो, बिकॉज ऐसा कभी नहीं हुआ है और ऐसा करने वाले हम ही लोग होंगे दोस्तों, ठीक है। और मुझे पता है दोस्तों कि जो सच में क्रिप्टो से प्रॉफिट उठाते हैं या जितने भी क्रिप्टो के यूज़र्स हैं वो क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी उनमें से ही अपने आप को काउंट करता हूँ, क्योंकि जब से मैं क्रिप्टो में दोस्तों आया हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को, और बहुत एक तरीके से मतलब कहीं ना कहीं किसी लेवल पर मेरी लाइफ जो वो चेंज हुई है। तो ऐसे दोस्तों अलग अलग कहानी है लोगों की, और क्रिप्टो के लवर्स भी बहुत हैं, लेकिन जब हमारे पास में क्रिप्टो से जुड़ी कोई एक नेगेटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ पर कोई सपोर्ट देने वाला नहीं होता। तो आगे इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी प्लानिंग होगी, लेकिन फ़िलहाल फ्रेंड्स इस रैली को सपोर्ट करने के लिए जितना आप लोग फैला सकें, जितना आप लोग आ सकें, वो चीज़ आप यहाँ पर ज़रूर करें। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय पाई।